ये नीतीश कुमार शराबबंदी करके बहुत अच्छा किया, एक पहले कमाता था, अभी लाखों कमाता है, लाखों आदमी कमाता है, पहले एक आदमी कमाता था, अभी 1,00,000 आदमी कमाता है। तो एक पैक पीने के जगह पर 20 पैक दारू पी लीजिएगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, जहरीला शराब झूठोगे। भारत एक ऐसा देश है जो कितनों कुछ कीजिएगा मैदार देश है, चुरा नुका के हर काम इतने होते रहे। होम डिलीवरी हो रहा है, 100 का शराब 200 में बिक रहा है। शराब के नाम पर पीजिएगा एसिड 1850 तो मरवे ना कीजिएगा। शरीर शराबमय हो गया, वह जहरीलो शराब पी के मरवे करेगा। पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाता है तो रहने दे। सरकार खाली बोल रहा है कि शराबबंदी है, कहाँ से है? प्रशासन को पैसा मिलता है, कहाँ बंदी है? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून जो है 2006 में लागू हुई थी, जिस वक्त जो है मानव श्रृंखला भी बनाया गया था और शराब के पक्ष में लोग जो है काफी भागदारी जुटाए थे और शराब पूरी तरह से मुक्त हो इसको लेकर बिहार सरकार और नीतीश बाबू की सरकार लगातार पहल कर रही थी। ऐसे में आपको बता दें बिहार के अलग अलग जगहों पर जो है जहरीली शराब पीने से मौत की आंकड़ा जो है काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आम पब्लिक से बात करने के लिए पहुंचे हैं, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, क्या बिहार में शराबबंदी है या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर देख सकते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रमा शंकर प्रसाद ठाकुर उर्फ शंभू जी। अच्छा बताइए क्या स्थिति है शराब को लेकर, क्या कहेंगे, शराबबंदी है या नहीं है? नहीं है, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, इसलिए कि शराबबंदी लागू हुआ ये नीतीश कुमार का दो काम, एक शराबबंदी और दूसरा ये ज़मीनी सर्वे, यह बहुत सराहनीय कार्य उनका शुरू किया गया है। लेकिन शराबबंदी जो लागू किया गया तो इससे शराब माफिया बन रहा है और सरकार का राजस्व जा रहा है और जगह जगह जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है। पिछले विधान पंचायत चुनाव में मैं सरपंच के पद पर खड़ा था और घूम रहा था, हमारे पंचायत में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 3-4 लोगों का आँख खराब हो गया जो आज तक नहीं बन पाया है। तो ये शराबबंदी सराहनीय कार्य है कि जो लोग शराब पी करके अपने गरीब लोग 500 रुपया कमाता था, 200-300 का शराब पी जाता था, घर पर जाके औरतों को मारता था, तो ये शराबबंदी अच्छा था। लेकिन ये शराबबंदी लागू नहीं हो पाया, विफल है प्रशासनिक विफलता के कारण, पुलिस के मिली भगत से, जो देहात में लोग झमरुआ कहते हैं उसका निर्माण देहात में हो रहा है और केमिकल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि लोगों की अभी छपरा में कुछ लोगों की मौत हुई है, मसरक में, इस तरह से जगह जगह जो है सो लोग मर रहा है। अच्छा, सरकार तो बोल रही है कि लगातार जो है हम इस पर काम कर रहे हैं, शराब जो है पूरी तरह से बंद हो गया, आप बोल रहे हैं कि शराब चालू? नहीं नहीं, सलाम तो होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, पहले जो है दुकान में मिलता था, अब घर पर पहुंचाया जा रहा है, तो सरकार विफल है। मैं अकेले कथी करेगा इसमें आपको DGP लेवल के पहल जरूरी है, जो कि उत्तरी बिहार से आते हैं, उनका पहल बहुत ही जरूरी है। आपका आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में ही शराब से मौतें हुई है। तो इसमें आप ये सरैया के रहने वाले हमारे बिहार के जो DGP है उनको अलग से पहल करना चाहिए। शराब अभी बंदी कानून लागू है आपको? बिल्कुल एकदम लागू है, शराब बंदी कानून बिल्कुल बिल्कुल आप कर दिए। शराब बंदी सरकार के द्वारा लागू है लेकिन पब्लिक में वह चालू है और ये देखना सरकार का काम है। इसमें जो है जी बोल रहे हैं कि शराब जो है सब जगह मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं? ये शराब जो बोल रहे हैं जो बंदी हुए हैं उनके ठेकेदार, जो कि आज पीके जी के टीम में जितने भी शराबबंदी के जो कह रहे हैं कि खुलना चाहिए, उनके टीम में सारे ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं और वो लोग ही चाह रहे हैं शराब पी के आप अपने बाल बच्चा को भेजिएगा स्कूल में पढ़ाने के लिए। हैं, बताइए ये सही है? ये कहते हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री बना दिए, इनको प्रधानमंत्री बना दिए, इसका क्या गारंटी है कि आप फिर बनिएगा तो फिर क्या? ये हमारा बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, आपके कथन अनुसार शराब बिहार में नहीं मिल रहा? हम कह रहे हैं कहाँ नहीं मिल रहा, मिल रहा है, लेकिन जो तो दोनों नहीं नहीं दो बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा होम डिलीवरी मतलब क्या आपका देसी लेवल? बताइए आप, बताइए इनके बात से आप कितना सहमत हैं? अरे सरकार के फाइल में शराब बंद है लेकिन घर घर शराब बनता है, झमरुआ बनता है, पी के मर रहे हैं लोग, कितने मर गए और कितने मरने के लिए तैयार हैं, सरकार इस पर क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं, पुलिस आए पैसा लिया छोड़ दिया। तो भैया बोल रहे हैं कि बिहार में शराब नहीं, बिहार में शराब तो इतना पहले किनने जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी फोन किया। इंग्लिश नहीं ना मिल रहा है आपका, इसका एसिडी युक्त आपको दारू मिल रहा है 20 रुपया में एक गिलास यूज कर रहे हैं, जो घर में बनाया जाता है पता ही नहीं है उनको कि क्या इस चीज इसमें डालना है। आपको अंग्रेजी जो बिहार सरकार प्रतिबंध लगाया है वो देसी और अंग्रेजी, लेकिन आप क्या पी रहे हैं केमिकल में मिला करके उसको नाम आप दे रहे हैं दारू का, ये सोचने की बात है। तो दारू मिल रहा है बना के बेच रहा है, इंग्लिश लो है लोग पी रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है, शराबबंदी है कि नहीं? शराबबंदी सरकार के कानून से सरकार ने बंदी किया, लेकिन इस बेर चुलाई बनाने वाला दारू बनाने वाला बहुत हो गया, पासी सके परेशान करता है उसको, अगर बेच रहा है जिसको उसको पकड़ कर के ले जाए पासी सके काहे इस तरह परेशान है, क्या जरूरी है। अच्छा बताओ, इसमें डीजीपी साहब को अलग से एक टीम बना करके पूरे बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में जहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, उसमें विशेष पहल करना होगा, एकदम पूरा मजबूती के साथ इनको जमीन पर उतारना होगा, इस पर रोकथाम के लिए थोड़ा सा जरूरी है। एक मेरा एक नीतीश कुमार जी से अपील है कि जो ये माने वो लाख लागू करेंगे लेकिन ये लागू नहीं हो पाएगा, ना पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल कर पाएंगे ना जनता पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव है आपके प्रकाश न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री और ये जो है शराब का जो मंत्री है उनसे मेरा अपील है कि आप इस शराबबंदी को ख़त्म कर दीजिए, और जो देहाते देहाते दुकान खुलवाए थे वो नहीं खुलवाइए, बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए, नहीं बंद होवे नहीं करेगा, कभी नहीं होगा, इसलिए कि पुलिस को कंट्रोल सरकार नहीं कर पाएगी, आप पुलिस पैसा लेकर के बेचबेबे करेगा। यहाँ पर और कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया? मुगल खान। अच्छा बताइए खान जी, क्या स्थिति है बिहार में शराबबंदी आपको लग रहा है, दिख रहा है? क्या बंदी है, यहाँ तो माने कंटिन्यू शराब पी रहा है, लोग मरते जा रहा है, यहाँ तक कि अभी 20 रुपया 40 रुपया में देसी शराब जो मिल रहा है, और अभी सहारन में देखिए 20 से 27 आदमी मर गया, 8 आदमी का आँख के रोशनी चला गया, कहाँ बंदी है आपको कहीं से दिख रहा है? अभी मानिकपुर पंचायत से है हम, मानिकपुर पंचायत में अभी 2 साल पीछे यहाँ 10 आदमी मर गया हुआ था शराब के कारण जी। नहीं बंदी है, कुछ नहीं है, बंदी कहाँ है कहेंगे सर, क्या लग रहा है? रविंद्र महतो। अच्छा बताइए क्या स्थिति है शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी है, बाकी लोग शराब बेच रहा है। शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी है कहाँ? सरकार खाली बोल रहा है कि शराबबंदी है, कहाँ से है? प्रशासन को पैसा मिलता है, कहाँ बंदी है? शराबबंदी है, सरकार बंद कर दिया, बोलता है कि जो मतलब हम शराबबंदी कर दिए, कहाँ मिल रहा है? लगातार पकड़ाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पकड़ता है फिर छोड़ देता है, पैसा लेता है प्रशासन, उन लोग को फायदा है, अब शराबबंदी से और फायदा है, पैसा मिल रहा है, सब सरकार के खाता में जा रहा है पैसा। वो तो भैया बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है शराब, क्या नहीं मिल रहा है? सब चीज मिल रहा है, ऐसे ही नहीं मिला, ऐसे ही जाता है जेल, ऐसे ही जाता है सब चीज, क्या चीज नहीं मिला है बिहार में है? चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सर विनोद पासवान हुआ। अच्छा एक बात बताइए, शराब मिलता है यहाँ पर? जी सर शराब मिलता है ना, मिलता है जी। बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं जी, पूरा यहाँ से मतलब जो कि हम लोग देखते हैं पूरा चौक, पूरा मानीपुर चौक तक मतलब जो कि पूरा मतलब शराबे शराब का दुकान है, लेकिन नाम किसको कहेंगे, कहने से कोई फायदा बंदी नहीं जी ना, शराब बंदी है लेकिन मिलता है, सब जगह मिलता है। और देखिए यहाँ पर जो है साफ तौर पर देख सकते हैं अभी एक चौक पर हैं और लगातार जो है सभी लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं, बताइए क्या स्थिति शराब को लेकर, क्या करिए? शराब बंदी से बहुत फायदा है सरकार के। क्या फायदा है बताइए? पहले एक आदमी के ठेकेदारी देता था, अभी सैकड़ों आदमी दारू बेचता है, होम डिलीवरी में घरे जाता है, बढ़िया फायदा और बढ़िया आदमी जीता है। अब गलत शराब पी के मर जाइएगा तो वो दुर्भाग्य आपको है, गलत शराब क्यों पीजिएगा? ओरिजिनल मिल रहा है, चुप चोरी से आ रहा है, बिका रहा है, वो पीजिए, असल फांसे पिला के आप पी जाइएगा तो वो शराब का दोष है नहीं। ये नीतीश कुमार शराब बंदी करके बहुत अच्छा किया, एक पहले कमाता था अभी लाखों कमाता है, लाखों रुपया आदमी कमाता है, पहले एक आदमी कमाता था अभी 1 लाख आदमी कमाता है, एकदम बढ़िया फायदा है। बंदी भी बंद के नाम पर बंदी है, काम भी चल रहा है और रुपया भी आ रहा है, सब चीज चल रहा है। एगो पहलवार पहले चलता था एगो शराब के ठेका से, अभी 100 गो एक ठेका टूटा तो 100 गो ठेकेदार अभी कमा रहा है,
तो उसका बाल बच्चा सब खा रहा है, ठीक है जेल जा रहा है आ रहा है, लेकिन फिर भी बेच रहा है, उसका बाल बच्चा जी रहा है बढ़िया। मौत भी तो हो रहा है लगातार, मौत भी हो रहा है। अब एक पैक पीने के जगह पर 20 पैक दारू पी लीजिएगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, जहरीला शराब झूठो अब पीजिएगा वो उजरका कथित ना बनावल वाला तो मरबे कीजिएगा, इंग्लिश पीजिए जो विदेशी आता है वो पीजिए। तो बिहार में बंद है तो कहाँ से मिले, बिहार में आता है तो बंद कनाई तो आ जाता है, चुप चोरी से आता है, इतना तो सब दिन चुप चोरी है, सरकार रहता था तो चुप चोरी से नहीं चलता। नीतीश कुमार जी क्या कहिएगा, नीतीश कुमार जी के हम कहेंगे बंदी हुआ तो बढ़िया हुआ, ऐसे चल रहा है तो ठीक चल रहा है, हाँ एकदम चलने दो, मर रहा है तो वो अपना चाल से मर रहा है, कहा जाएगा खराब शराब पीने कहा जाएगा, लोग से देख रहा है ठीक है, खराब शराब कहा पिएगा, बढ़िया शराब पियो नहीं मरेगा। बिहार तो बिहार में चाचा तो बंद ना है सर, बंद तो है ही है, लेकिन सब स्टेट में पूरे भारत एगो ऐसा देश है जो कितनो कुछ कीजिएगा मैदार देश है, चुरा नुका के हर काम इतने होते रहेगा। अनंत किशोर के नाम सुने हैं, बोल रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो शराब को चालू कर देंगे, चालू कर देंगे ठीक है, नीतीश कुमार कर दे, हम तो उन्हीं को कह रहे हैं, ड्यूटी के तरह दुकान नहीं खोले, टाउन में एगो दुकान खोल दे, जिसका शरीर शराब पीने शराब पीते पीते आदि हो गया है वो कम से कम बाजार से खरीद के सही शराब पिएगा, सही शराब तो पिएगा, इसलिए इसका चालू ग्री क्लेश नहीं हो रहा है, शराबबंदी के बंद होने से बहुत सारा मतलब फायदा है, घर में ग्री क्लेश नहीं हो रहा है, सब में सुधार है, बिल्कुल सुधार है, पहले का क्राइम रिपोर्ट क्राइम देखिए परसेंटेज कम गया है, बिहार में जो पहले हुआ करता था उसमें बिल्कुल एकदम लगाम लगा है, उस सब कम है, एकदम बिल्कुल लगा है, एकदम नहीं लगा है, पूरा घर होम डिलीवरी हो रहा है, 100 का शराब 200 में बिक रहा है, ब्लैक मार्केट शराब बंदी है, आप शराब के नाम पर पीजिएगा एसिड 1850 तक मरवे ना कीजिएगा, जिसका शरीर शराबमय हो गया वह जहरीलो शराब पी के मरवे करेगा, उसका नाम दिया जा रहा है गलत तरह से, इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, ये शराब है कहाँ, ये तो पानी में इसको एसिड मिला करके भाकड़ में मिला करके क्या क्या मतलब केमिकल युक्त चीज सामान मार्केट में उपलब्ध है, उसको लोग यूज करके बना करके पीते हैं, मरते हैं और बदनाम कर रहे हैं, इसको कौन दूर करेगा, इसको नहीं सरकारें को ना देखना है, अगर पहल करना होगा, एक मिनट सरकार अगर इस पर कंट्रोल चुप रहो, हल्ला नहीं करो भाई, सरकार जो है अगर इसको पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाता है तो रहने दे, उसको कड़ाई से लागू करे, और नहीं तो इसको सीमित करके एगो टाउन में दुकान खोल दे, जो आदि हो गया वो पीबे करेगा बढ़वे करेगा, इसलिए इससे अच्छा कि शराबबंदी खत्म कर दे और एगो दुकान डिस्ट्रिक्ट में खोल दे जहाँ से लोग आदि वाला लोग पी करके जिंदा कम से कम। और देखिए जो है लगातार जो है बिहार की बात की जाए तो बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार मौत हो रही है, हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जो है 2006 से जो है शराबबंदी कानून लागू किया गया था, जिसको लेकर जो है बिहार पुलिस और जो है राज्य सरकार के मंत्री हो विधायक हो सभी लोग जो है इसको पालन करवाने के लिए डटे हुए हैं, हालांकि अभी जो है जनता का मूड जानने के लिए निकले थे, हालांकि कई लोगों द्वारा बताया गया कि शराबबंदी कानून जो है लागू है और कई लोगों ने कहा कि होम डिलीवरी जो है शराब मिल रही है, इससे जो है बहुत बड़ा जो है बिहार में जो है खुलासा हो रहा है, ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाशन लाइव के फेसबुक पेज पर देखते रहिए और यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे, तब तक जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।